वेतन वृद्धि की मांग को लेकर 21 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल की पूर्व संध्या पर ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन के आह्वान पर गुरुवार की शाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा बैंक रोड से कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी संगठन के नेता पांडे सुशीत कुमार, एमपी कश्यप, दीपक चौधरी, अंकित शर्मा, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रशांत कुमार मिश्रा सहित विजया बैंक, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक के अन्य अधिकारी शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन के जिला सचिव पांडे सुशीत कुमार ने कहा, जिंदाबाद समझौता। मेरा नाम हुआ पांडे सुशीत कुमार, जिला सचिव ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन। हमारी मांगे हैं ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन की मुख्य मांगे हैं, जो हमारी वेतन मान समझौता 1/11/2017 से पेंडिंग है, उसके लिए सभी 5 मुख्य बैंकों ने अभी तक वेतन मान समझौता के लिए कोई मैंडेट नहीं दिया है रिजर्व IBA को। हम मांग करते हैं कि हमारी IBA जो भी कमेटी है, वही इमीडिएट Scale 1 से लेकर 7 तक का वेतन मान समझौता की बिना शर्त IBO को दें। अपील करें कि आप 1-7 का वार्ता इमीडिएट चालू करें और उनकी जो भी मांगे हैं वो पूरा करें। मुख्य मांगों में जैसे वेतन विसंगतियां हैं उन्हें समाप्त करना, हमारी जो मांगे हैं जो हमने चार्टर ऑफ डिमांड जून 2017 में दिया था उसी के अनुसार हमारा वेतन संशोधन समझौता किया जाए। हमारी मांगे हैं जो हमारे नए कर्मचारी 2005 के बाद बैंकों में आए हैं उनको भी वही पेंशन दिया जाए जो पूर्व के कर्मचारियों को दिया जाता है। हमारी मांगे हैं जो पारिवारिक पेंशन की सीमा निम्न है उसे सम्मानजनक रूप से लाया जाए। हमारी मांगे हैं केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को, जब आप एक पेंशन समझौता लागू करते हैं हर बार जब भी समझौता है उन्हें पेंशन का लाभ देते हैं, तो हमारे भी रिटायर कर्मचारियों को दें, हमारे अधिकारी भाइयों को दें। एक अधिकारी भाई की अगर की मृत्यु होती है उनकी पत्नी को मात्र 9,500 रुपया बेसिक पेंशन मिलता है, इसको दूर किया जाए। ये आज के युग में 9,500 रुपया कहीं नहीं मिलता है, इसको समाप्त किया जाए। हमारी मांगे हैं जो भी हमारे कर्मचारी रिकवरी वसूली के दरमियान जानते हैं उन्हें वही सुरक्षा प्रदान की जाए जो अन्य सरकार के कर्मचारियों को वसूली के दरमियान दी जाती है, जैसे उन्हें पुलिस मुहैया कराया जाता है। हमारी मांगे हैं सरकार जब हम RC काटते हैं तो उस समय हमारे भी कर्मचारियों अधिकारियों को वही सुविधा दी जाए जो उन्हें अमीन को दिया जाता है। हमारी मांगे हैं जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेची जाती है बैंकों के माध्यम से उसका अविलंब रोक लगाई जाए। साथियों, आप सभी को संज्ञान में होगा और हमारे पत्रकार बिंद से भी अनुरोध है कि हमारी मांगों को जितना ज्यादा हो आप प्रसार दें, मीडिया में कवरेज दें, क्योंकि जब तक हमारी मांगे, हम 10 बजे रात तक खटते हैं लेकिन हमारी मांगे कहीं सुनी नहीं जाती है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी बैंकों के माध्यम से ही लागू होंगी। जब वेतन वृद्धि की बात आती है तो कहा जाता है आप लाभ में नहीं है। लाभ में हम कैसे नहीं है, हमारी लाभप्रदता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आप NPA की प्रोविजनिंग की नॉर्म्स को बदल दें, मेरा किसी भी बैंक का लाभ 10,000 करोड़ से कम नहीं होगा, इसको समाप्त किया जाए। RBI की जो पॉलिसी है Basel 2, Basel 3 वो सभी समाप्त किया जाए, हमें लाभप्रदता के आधार पर हमारा वेतन वृद्धि दिया जाए। उसी क्रम में क्या किया है आप? आज इसी क्रम में आज पहले दिन हम कैंडल मार्च अभी निकालेंगे और कल 21 तारीख को सभी बैंकों में हड़ताल रहेगा राष्ट्रव्यापी, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का ताला नहीं खुलेगा। यही नहीं, हमारी 26 तारीख को भी जो यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन की है उसकी भी हड़ताल है और एक चरणबद्ध कार्यक्रम से चलेगा।
कैंडल मार्च का उद्देश्य संध्याकालीन लोगों को जगाना है कि आप संध्या समय जब आप सोने जाते हैं तब हम घर जाने की तैयारी करते हैं, इसीलिए कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है कि हमें भी वही आज़ादी मिलनी चाहिए जो अन्य कर्मचारियों को मिलती है, अधिकारियों को मिलती है।